हेलो एवरीवन टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ जोग्राफी चैप्टर सिक्स मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ सो लेट्स बिगिन अर्थ हैज मैनी लेयर्स एंड आउटर मोस्ट सॉलिड अन इवन लेयर दैट कवर्स द अर्थ इज़ नॉन एज इट्स क्रस्ट अर्थ सरफेस का आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है अर्थ में सर्फिस पर थ्री लेयर्स होती है क्रस्ट मेंटल एंड कोर सो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है और अन होती है उस लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट उसमें होते है तो सॉयल रॉक्स प्लेन्स हिल्स माउंटेंस एंड डिपस्ट फ्रेंचेज आर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट ये जितने भी हम लैंड पर देखते हैं सॉयल होती है रॉक्स होते हैं हिल्स प्लेन्स माउंटेंस जो जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं ये सब किसके पार्ट है अर्थ क्रस्ट के पार्ट है मीन जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की उसके पार्ट से हैं सारे ऑल दिस लेयर्स ऑफ अर्थ ऑन लैंड एंड ओशन फ्लोर आर एंड लैंड फॉर्म्स ऑफ दी अर्थ जितनी भी अर्थ की लेयर्स हैं लैंड पर और ओशन फ्लोर पर ओशन फ्लोर में ओशन के पर पानी ही पानी होता है लेकिन पानी के नीचे भी लैंड तो होती है ना तो जो ओशन फ्लोर होता है और जो लैंड होती है उसमें जितनी भी लेयर्स होती है उसे हम कहते हैं लैंड फॉर्म्स देर आर इन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ बहुत सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं अर्थ पर जैसे कि हिल्स हो गए रिवर बेसिन हो गए प्लेन्स हैं डेल्टा है ओशन है प्लेचू माउंटेन रिवर वाटरफॉल ओके जो फिगर वन में शो किए हुए हैं ये सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं अर्थ के सो लेट्स फाइंड आउट टोपोग्राफी ऑफ अर्थ सो वॉट इज टोपोग्राफी लैंड फॉर्म पॉजिज डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर स्प्रेड थ्रू आउट द प्लान अर्थ जो लैंड फॉर्म्स बने हुए होते हैं इनके बहुत सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑल द अरेंजमेंट्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन लैंड एंड ओशन फॉर आर नॉन एज टोपोग्राफी ऑफ द अर्थ सो इन फॉर्म्स के जो अरेंजमेंट होते हैं किस टाइप से बने हुए होते हैं कैसे बने हुए होते हैं इसको हम कहते हैं टोपोग्राफी द टोपोग्राफी ऑफ अर्थ डिफर्स ड्यू टू वेरियस फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग आउटसाइड और इनसाइड द अर्थ क्रस्ट ये टोपोग्राफी जो होती है अर्थ के डिफर करती है और किस पर डिपेंड करती है फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस पर जो कि अर्थ के इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ होती है बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जैसे कि अर्थक्वेक आ जाते हैं सुनामी आ जाती है ये और भी कुछ प्रोसेस चलती ही रहती हैं अर्थ के अंदर मतलब अर्थ की जो क्रस्ट होती है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके बाहर भी और उसके अंदर भी दिस आर नॉन एज जियोमोफिक प्रोसेस तो ये जो प्रोसेस होती है इन्हें हम कहते हैं जियोमोफिक प्रोसेस सी द फिगर टू स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इसमें शो किया हुआ है ये आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट है मिडिल लेयर होती है मेंटल उसमें भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल दोनों होते हैं और फिर सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है कोर उसमें भी आउटर कोर और इनर कोर होता है द अनइवन लेयर्स दैट ऑरिजिनेट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आर बिकॉज ऑफ दिस टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस जो अनइवन लेयर होती है अर्थ सर्फेस की वो इनकी वजह से होती है जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस होती है

एसनोस्फियर भी कहा जाता है ये सेमी मोल्टन स्टेट में होती है ओके okay, ना सॉलिड होती है ना मेल्टेड होती है सेमी मोल्टन होती है द कोर लाइज बिलो द मेंटल एंड इज मोस्ट इनएक्सीबल जोन ऑफ द अर्थ जो कोर होती है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और वो सॉलिड स्टेट में होती है उसमें नाइन्टी परसेंट आयन होता है बट द आउटर कोर इज़ इन लिक्विड फॉर्म इनर कोर तो सॉलिड स्टेट में, में होता है और जो आउटर कोर होता है वो मोल्टन या लिक्विड फॉर्म में होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयन एंड निकल जो आउटर कोर होती है वो किससे बनी होती है आयन एंड निकल से और स्मॉल अमाउंट में उसमें सिलिकन और ऑक्सीजन भी होता है द अर्थ गेट्स हॉटर एज वन ट्रेवल टूवर्ड्स द कोर जैसे जैसे हम कोर की तरफ जाएंगे उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है द प्रोसेस कोज्ड बाई हीट ऑफ अर्थ आट नॉन इज इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस आर ड्यू टू वेरियस एजेंट्स ऑफ नेचर और ह्यूमन एक्टिविटीज जो आर्थ की हीट के वजह से जो प्रोसेस होती है उसे हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं और जो नेचर से या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जो वजह से जो प्रोसेस होती है उसे हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं लेटेस अंडरस्टैंड हाउ दिस जियोमोफिक प्रोसेस टेक प्लेस द लिथोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडे टू स्मॉलर नंबर ऑफ प्लेट्स विच फ्लोट ऑन एंड ट्रेवल इंडिपेंडेंटली ओवर द मेंटल, जो अर्थ लिथोसफियर होता है लिथोस्फियर में जो लैंड पार्ट होता है उसे उसमें बहुत सारी स्मॉल प्लेट्स बनी हुई होती है जैसे कि आप लोगों ने फील्ड्स देखे हैं सभी ने जो बैरन फील्ड होते हैं मतलब जो बंजर खेत होते हैं उसमें हम लोगों को देखते ना कैसे इस, वो लाइन्स बनी हुई होती है तो अगर उन लाइन्स को हम ध्यान से देखेंगे तो हमको ऐसा लगता है तो जैसे अलग अलग प्लेट्स जुड़ी हुई है, है ना उसी टाइप से अर्थ सरफेस पर भी ऐसा ही कुछ होता है तो ये जो प्लेट्स होती हैं ये फ्लोट करती है मेंटल के ऊपर दीज आर क्योंकि जो मेंटल होता है वो मोल मौल्ट, सेमी मोल्टन स्टेट में होता है तो उसके ऊपर ये प्लेट्स फ्लोट करती रहती है दीज आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स इन प्लेट्स को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स दिस प्लेट्स मैसिव स्लैब्स ऑफ सॉलिड रॉक्स आर मेटअप ऑफ अर्थ सेलिथोसफियर क्रस्ट एंड अपर मैंटल जो प्लेट्स होती हैं ये रॉक के स्लैब्स से बनी हुई होती है जो रॉक्स होती हैं उनसे बनी हुई होती है लेट्स नो अबाउट द डिस्टर्बेंस एंड मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स अब उसमें क्या डिस्टर्बेंस होते हैं उन प्लेट्स में क्या मूवमेंट होते हैं ये हम पढ़ते हैं सो लेट्स नो मोर जियोमोफिक प्रोसेस अब ये प्रोसेस को हम डिटेल में समझते हैं यू हैव रीड दैट लिथोसफियर इज मैडअप ऑफ सॉलिड प्लेट ऑफ हार्ड रॉक्स ओके हमने पढ़ा कि लिथोसफियर किससे बना हुआ होता है हार्ड रॉक्स की प्लेट्स से बना हुआ होता है और ये प्लेट्स सॉलिड होती है जियोमोफिक प्रोसेस कीप ऑन वर्किंग ऑन सॉलिड प्लेट्स ऑफ लिथोसफियर इंटरनली एंड एक्सटर्नली एंड ऑफन डिस्टर्ब द्रस्ट ऑफ द अर्थ अब जो जियोमोफिक प्रोसेस होती है ये कंटिन्यूसली इन प्लेट्स पर होती रहती है कभी इंटरनली होती है कभी एक्सटर्नली होती है और ये क्रस्ट को डिस्टर्ब करती है फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग आउटसाइड और इनसाइड द अर्थ क्रस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म सो इन प्लेट्स के ऊपर जब फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं देन लैंडफॉर्म्स बनते हैं कभी हिल्स बन गए कभी माउंटेन्स बन गए कभी प्लेट्यूज बन गए ये सब क्यों बनते हैं कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है इनमें जो डिस्टर्बेंस होता है चाहे वो फिजिकली हो केमिकली हो या बायोलॉजिकली हो किसी भी प्रोसेस से हो सकता है तब इनका फॉर्मेशन होता है ओके <coughs> और ये फॉर्मेशन बहुत स्लो होता है बहुत ही हज़ारों साल लगते हैं इनको बनने के लिए देखा है आपने कभी एकदम से आप रात को सोए और सुबह उठे तो आपको एक माउंटेन दिख गया ऐसा नहीं होता है ना तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है और ये इनकी मूवमेंट की वजह से होती है जो प्लेट्स के अंदर डिस्टर्बेंस होता है सो फर्स्ट हम इंटरनल प्रोसेस पढ़ेंगे ड्यू टू इमेंस इंटरनल हीट द मोल्टन मटीरियल्स कीप ऑन मूविंग एंड एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द प्लेट ऑफ लिदोसफियर जब इंटरनल हीट अर्थ सरफेस के अंदर जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो जो मोल्टन मटीरियल्स होते हैं वो मूव करते हैं और वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं किसके ऊपर प्लेट्स के ऊपर एज प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन सॉलिड रॉकी प्लेट्स ऑफ कोर फॉर द प्लेट्स मूव एंड कोलाइड भी दीच अदर एट सेवरल पॉइंट्स जब प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट होता है प्लेट्स के ऊपर फिर उनमें मूवमेंट स्टार्ट होता था वो लोग कोलाइड करते हैं आपस में दिस कॉलिजन ऑफ प्लेट्स कॉजेस अपलिफमेंट और सब्सिडेंस ऑफ द अर्थ सरफेस दिस फोर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द हीट ऑफ आर्स कोर कॉल्ड टॉक टेक्टोनिक फोर्सेज तो जो फोर्स डेवलप होता है इन ट प्लेट्स के अंदर तो उसे कहा जाता है टेक्टोनिक फोर्सेस दिस फोर्सेस लेड टू तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म्स जो फिर इन प्लेट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है टेक्टोनिक मूवमेंट उसकी वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं जैसे कि प्लेटियोज बने प्लेन्स है माउंटेन्स है रिचेस है इन सब का फॉर्मेशन होता है डू यू नो मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स ड्यू टू एक्शन ऑफ दिस इंटरनल फोर्सेज बहुत बार जो अर्थक्वेक आता है वो इसी वजह से आता है कि जो फोर्स एग्जर्ट होता है प्लेट्स के ऊपर उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है समटाइम्स मोल्टन मैग्मा कम्स आउट थ्रू क्रैक्स एंड वेंट इन द फॉर्म ऑफ लावा एंड सॉलिडिफाइज ऑन द सर्फेस एंड दस मॉडिफाइज द लैंड फॉर्म्स बहुत बार जो मोल्टन मैगमा होता है वो क्रैक्स के थ्रू बाहर आ जाता है किस फॉर्म में लावा फॉर्म में जो ज्वालामुखी फूटता है ना वो फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है सरफेस के ऊपर और उससे लैंडफॉर्म्स बनते हैं सो so, ये मूवमेंट ऑफ प्लेट्स बताएं फिगर थ्री में एक होती पोजिशन डायवरजेंट जो दूर हो जाते हैं एक होती कन्वर्जेंट जो प्लेट्स पास में आ जाती है और एक होता है ट्रांसफॉर्म दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं एरोस के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है ओके okay? फिर नेक्स्ट है एक्सटर्नल प्रोसेसेस अब ये तो हमने इंटरनल प्रोसेस देखी अब एक्सटर्नल प्रोसेस कौन सी होती है You must have observed wind blowing with force and water running down the hills and springs with tremendous energy जब बहुत जोर से हवाएं चलती हैं force से या water जब run करता है hills के through springs के through तो उसमें बहुत ज्यादा energy होती है You must have seen sea waves moving up and down and heard about moving glaciers sea के अंदर जो वेव्स आते हैं देखिए ना आपने अप एंड डाउन होती है वो फिर कभी आपने देखा है कि ग्लेशियर्स मूव कर रहे हैं ऑल दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस दैट शेप एंड डिजाइन वेरियस लैंडफॉर्म्स ये एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो कि लैंडफॉर्म्स को शेप कर देते हैं या डिजाइन करते हैं फिगर फोर में इरोशन और डिपोजिशन एक्सप्लेन किया हुआ है द फोर्सफुल विंड्स एंड रनिंग वाटर वेयर द सर्फिस ऑफ अर्थ एंड कैरी अवे द मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर जो फोर्सफुली विंड चलती है या जो वाटर रन करता है उसकी वजह से अर्थ सरफेस में क्या होता है जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि सॉयल हो गई या और भी कुछ मटेरियल हो गए वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करते हैं हवाएँ चलती है तो मिट्टी उड़ती है ना साथ में एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरोजन और जब वो मटेरियल्स को ले जाती है साथ में और कहीं और जाकर वो डिपॉजिट हो जाते हैं मटेरियल तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशन तो बहुत इरोजन एंड डिपोजिशन जो है वो एक्सटर्नल प्रोसेस के पार्ट है मेजर कॉन्टिनेंटल लैंडफॉर्म्स आर माउंटेंस प्लेट्यूज एंड प्लेन्स लेट एस फाइंड आउट अबाउट दिस लैंडफॉर्म्स वन बाई वन एंड हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्टर्ब दिस नेचुरल लैंडफॉर्म्स तो ये मेजर कॉन्टिनेंटल लैंडफॉर्म्स हो गए माउंटेन्स प्लेट्यूज एंड प्लेन्स इनको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओके okay?